بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته कैसे हैं आप सब लोग ठीक ठाक हैं सो मैनी ब्लेसिंग्स सो मच लव पॉजिटिव वाइब्रेशंस ब्यूटिफुल थाट एंड ब्यूटिफुल एनर्जी आई एम सेंडिंग योर वे उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर such an amazing response I got an amazing feedback of yesterday's unconditional love versus toxic love you people loved it even the editor jo hamare yahan par sare videos edit karte hain he also mentioned that ma'am I was listening to it and I really loved it and yes I think कल का जो टॉपिक था वो हम अपनी ज़िंदगी में हर इंसान जो है वो रिलेट कर सकता है बिकॉज वी ऑल डू डेफिनेटली एक्सपीरियंस सच टॉक्सिक लव इन आवर लाइव्स और वो बहरहाल बट ये कि इफ़ वी आर ये सारी जो कल हम लोगों ने किया शो उसका या जो सेशन था उसको करने का मकसद ये था कि इफ़ वी आर वन ऑफ दोज पीपल who do that or we are the reason of making someone's life so miserable so I think we should learn and we should not make others life miserable and if we are experiencing that sort of behavior from someone so at least you should know that's not unconditional love at least knowing this might solve some problem that is not that's not love for sure aur agar koi claim karta hai koi prove karne ki koshish karta hai it's all just not acceptable at all so aaj before I start today's topic it's about the inner beauty it is about it's about your realizing your own significance अपनी अहमियत को जानना अपनी अहमियत को पहचानना अपने आप अपने अंदर हर इंसान के अंदर कोई ना कोई खामी होती है मगर उसके साथ अल्लाह ने उसको बहुत सारी खूबियों से भी बख्शा होता है हम सेल्फ पिटी में अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं एंड यू नो वी आर फोकसिंग मोर ऑन द फ्लॉज दैट वी हैव इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द काइंड ऑफ qualities we have so it's a story of a cracked pot aksar aap kehte hai na tum to ho hi crack pot but it's actually a story of a crack pot ek shakhs ek ladka tha jo ek kisi ke ghar mein kaam karta tha doesn't matter who it was but wo kisi ke ghar mein kaam karta tha he would take care of the whole house he would take care of the things pahadi pe us shakhs ka ghar tha aur उस पहाड़ी से रोज़ाना वो लड़का जो सारा घर की चीज़ों का ख्याल रखता था वो रोज़ाना पहाड़ी से नीचे पानी लेने के लिए आता था और दोनों हाथों में पानी उठाना ज़रा मुश्किल होता है तो व्हाट ही डिड वाज़ कि उसके पास एक बड़ा सा लकड़ी का डंडा था बांस कह लें या लकड़ी का डंडा था वो उसको अपने कंधे के ऊपर रखता और उस लकड़ी के डंडे की दोनों साइड्स के ऊपर पॉट्स दो यानी बाल्टी जिसे आप कहते हैं उन पॉट्स को हैंग कर देता उस लकड़ी के साथ और उनको लेकर नीचे जाता पहाड़ी से नीचे उतरता वहाँ से पानी भरता और पानी भर के तो वो वापस उस बंदे के घर में आता और जो भी फिर इस्तेमाल में होता उसने देखा कि कुछ रोज़ के बाद वो जो दो पॉट्स थे उनमें से एक पॉट जो था वो थोड़ा सा क्रैक हो गया वो लड़का उसको अंदाज़ा हो गया कि ये पॉट जो है वो क्रैक हो चुका है बट उसके बावजूद उसने उसको जस्ट इग्नोर किया और वो उसमें जाता रोज़ाना उन पॉट्स में पानी भरता एक बिल्कुल ठीक था एक में थोड़ा सा मसला था वो जाता उसे पानी भर के वो लेकर आता रोज़ाना जब वो लेकर आता तो वो उसको इस बात का अंदाज़ा था कि ये क्रैक्ड पॉट है और इसके अंदर से तकरीबन पानी भरी रहती है और थोड़ा सा ऊपर से तकरीबन आधा पानी जो है वो गिर जाता है बट ही नेवर ही वाज नॉट बॉदर्ड एंड ही वाज नॉट रियली पुश्ड
कुछ रोज जब गुजरे तो जो जो क्रैक पॉट था, ही स्टार्टेड दैट क्रैक पॉट. ऑब्वियसली इट्स अ स्टोरी. सो द क्रैक पॉट थॉट दैट आई एम यूजलेस, आई एम गुड फॉर नथिंग, मेरा कोई फ़ायदा नहीं है. वो बहुत एनवी करना शुरू हो गया, काइंड ऑफ यू नो ये सोचना शुरू हो गया कि वो जो दूसरा पॉट है वो देखो कितना यूज़फुल है, उसमें पानी वो लेकर आता है तो पानी पूरा भरा रहता है, जबकि मेरा आई एम जस्ट यूजलेस, आई एम गुड फॉर नथिंग. सो यू नो ही जस्ट स्टार्टेड सेइंग दैट इट्स मेरा क्या फ़ायदा है एंड ऑल दैट. एंड ही बहुत नाउमीदी और मायूसी और एक अजीब सी वो एक जिसे कहते हैं ना कि उदासी का शिकार हो गया. ऑन दी अदर हैंड जो पूरा पॉट जो भर के आता था, पूरी बाल्टी या जो पूरा पॉट वो जो भरा हुआ पानी का आता था, वो बड़ा बहुत फ़ख्र महसूस करता था कि देखो मैं कितना यूज़फुल हूँ, एक कतरा भी मेरे में से नहीं गिरता और आई एम जस्ट यू नो एब्सोल्युटली परफेक्ट, आई डोंट हैव एनी फ्लॉ और आई डोंट हैव एनी क्रैक एंड आई जो मेरा मालिक है मैं उसको अपना 100% दे रहा हूँ. कुछ रोज़ गुजरे इसी उदासी में उस शख्स की और उसकी फ़ख्र और ख़ुशी में कि मैं बहुत हूँ, उस शख्स के नहीं उस पॉट के उदासी में गुजरे और दूसरे पॉट के ख़ुशी में गुजरे कि मेरे मैं तो बिल्कुल परफेक्ट हूँ. एक रोज़ उस पॉट ने जो कि क्रैक्ड पॉट था, उस क्रैक्ड पॉट ने अपने जो लड़का था जिस जो लेकर जाता था जो उसका मालिक था उससे कहा कि मैं तुमसे बड़ी माजरत चाहता हूँ, मैं तुमसे बहुत अपोलोजेटिक हूँ, मैं बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना दुखी भी हूँ, मैं बहुत ज़्यादा मुझे बहुत इस बात का अफसोस है कि मैं आई कांट गिव यू द बेस्ट एंड आई एम नॉट गुड इनफ फॉर यू बिकॉज द अदर पॉट इज़ गिविंग यू एम्पल वाटर. मेरे में तुम जब पानी लेकर आते हो तो मेरे क्रैक की वजह से आधा गिर जाता है, आधा यू नो वो सारा सिलसिला होता है जिसकी वजह से मैं अपना बेस्ट तुम्हें नहीं दे पा रहा. तो उस वो जो उसका मालिक था, वो जो शख्स जो लेकर आता था उस डंडे के ऊपर लटका के दोनों पॉट्स को, उसने कहा कि ये जो तुम बात कह रहे हो ये तुम्हारा सोचने का तरीका है, तुम्हारा अपने आप को देखने का तरीका है. अगर तुम मेरी नज़र से देखो तो आज हम जब नीचे जाएंगे इस पहाड़ी से, जब हम नीचे जाएंगे तो जब इस पहाड़ी से हम ऊपर की तरफ आ रहे होंगे तो तुम अपने अंदर देखने की बजाय जो तुम्हारा फॉल्ट है या जो तुम समझते हो कि तुम्हारा फ्लॉ है या तुम्हारे अंदर किसी चीज़ की कमी है उस क्रैक पॉट की वजह से, उसको अंदर से देखने की बजाय और ख़ुद को ये कमी महसूस करने की बजाय आज तुम ज़रा बाहर की दुनिया देखना. तो उस पॉट ने कहा ओके आज मैं बाहर की दुनिया देखूँगा. और जिस वक्त वो चलना शुरू हुआ और उसने ये सफ़र का आगाज़ किया तो आपको बताया ना कि वो एक डंडा था, एक डंडे के एक साइड के ऊपर एक पॉट था, एक साइड के ऊपर दूसरा पॉट था. जो साइड क्रैक पॉट वाली साइड थी, जब उसने बाहर देखना शुरू किया, महसूस करना शुरू किया तो उसने देखा और उस शख्स ने बताया कि जब हम तुम रास्ते के ऊपर चलते आओगे तो तुम देखोगे कि जहाँ पर तुम्हारे पॉट में से हर रोज़ थोड़ा थोड़ा पानी गिरता था उस जगह पे, उस रास्ते पे, उस पाथ पे, उस राह में तुम देखोगे कि कितने छोटे छोटे प्यारे प्यारे फूल खिले हुए हैं. और वो जो फूल खिले हुए हैं दूसरी साइड जब तुम देखोगे तो वहाँ पर वो मिट्टी बिल्कुल सूखी है, वहाँ पर कोई घास नहीं, कोई पत्ता नहीं है, कोई फूल नहीं है, कुछ खिलावा नहीं है, कोई रंगीन फ्लावर्स नहीं है, देयर नो कलरफुल फ्लावर्स. और तुम अपने अंदर जो ये कमी महसूस करते थे, तुम्हारी इस कमी की वजह से यानी तुम्हारे इस फ्लॉ की वजह से, एक फॉल्ट की वजह से, उस क्रैक की वजह से, उस डैमेज होने की वजह से तुम्हारा पानी गिरता रहा, गिरता रहा, गिरता रहा. तुम ये महसूस करते रहे कि तुम में कमी है, मगर तुम्हारी उस कमी ने उस रास्ते में मौजूद जो वो जो राह थी, वो जो रास्ता था, वहाँ पर उस मिट्टी को पानी दे दे के वहाँ पर तुम्हारे उस क्रैक की वजह से किस कदर प्यारे फूल निकले हैं. जब उसने देखना शुरू किया तो वो बहुत हैरान हुआ. उसने कभी इस एंगल से चीज़ों को नहीं देखा था, उसने कभी इस तरह से नहीं सोचा था कि मेरे अंदर की किसी कमी की वजह से, मेरे अंदर की किसी महरूमी की वजह से, मेरे एक चीज़ जो कि डैमेज है उसके होने की वजह से जो बाहर की दुनिया है उसको कितना फ़ायदा हुआ. और उस राह पर, जिस राह पर वो क्रैक पॉट जाता था, उस रास्ते से वो किस तरह से फूलों वाला, खुशबू वाला,
महकता हुआ खुशगवार रास्ता बन गया। इसी तरह से हम अक्सर अपनी जिंदगी में अपने आप पे सेल्फ पिटी का शिकार होते हैं। वो जो कमियां हमारे अंदर होती हैं, वो जो महरूमियां हमारे अंदर होती हैं, वो जो चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें लगता है कि ये तो मेरी ज़िंदगी की एक बहुत बड़ी वीकनेस है, ये तो मेरी ज़िंदगी की एक बहुत बड़ी महरूमी है, मगर मेरे पास ये नहीं है। एंड वी हम इतना सेल्फ पिटी में चले जाते हैं कि हम अपने अंदर की उन अच्छाइयों को छोड़कर हम वो फ़ायदे जो हमारी किसी कमी की वजह से किसी की ज़िंदगी में, हम हमेशा एक साइड देखते हैं, हम हमेशा अपने अंदर, जिस तरह से वो पॉट, क्रैक पॉट अपने अंदर की बुराई को देख रहा था, उसने ये नहीं देखा कि उसकी बुराई की वजह से किस तरह से उसका इर्द गिर्द के जो माहौल है और उसकी इर्द गिर्द की जो चीज़ें हैं उनको किस कदर फ़ायदा हो रहा है। इफ़ यू ऑल स्टार्ट लुकिंग एट थिंग्स दिस वे, इफ़ यू ऑल स्टार्ट इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द नेगेटिव और द फ्लॉज दैट वी हैव और द नेगेटिव क्वालिटीज और द फ्लॉज दैट वी हैव, और उसमें हम सेल्फ पिटी का शिकार रहते हैं और अपनी ज़िंदगी को और अपने इर्द गिर्द के लोगों की भी ज़िंदगी को बहुत अजीब सा कर देते हैं और उनको, उनके लिए मुश्किलें पैदा कर देते हैं, एंड वी डोंट रियलाइज। एक मिसाल यहाँ पर दे के मैं आगे बढ़ना चाहूँगी। कई दफ़ा कुछ लोग हमारे लिए मोटिवेशन का बायस होते हैं, उनकी कही हुई बातें लोगों को उनकी ज़िंदगी में आसानी पैदा करती हैं, उनकी कही हुई बातें लोगों को लोगों के लिए लोगों को आगे मूव अप, मूव फॉरवर्ड करने का बायस होती हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ अब अपने आप में उस क्रैक पॉट को और वो जो फूल जो उसके क्रैक की वजह से, जो उसके अंदर, जो उस पॉट के अंदर क्रैक थे, उसकी वजह से वो जो फूल खिले, वो जो पानी गिरा और वो जो फुहार गिरी जिसकी वजह से वहाँ पर मज़ीद फूल खिलने शुरू हो गए। हम अगर इस तरह से अपनी ज़िंदगियों को देखें, मेरी ज़िंदगी में, आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों की कमियाँ हो सकती हैं, लेकिन हम उन कमियों को लेकर इतना ज़्यादा अपने अंदर एक वो पैदा कर लेते हैं, एक नेगेटिविटी पैदा कर लेते हैं कि हम उन कमियों को अपने लिए भी और लोगों के लिए भी नेगेटिव समझते हैं। पर दरअसल अगर हम इसको पॉजिटिवली देखें तो हो सकता है अगर मेरी ज़िंदगी में आई हैव हैड सम डिफरेंट फेजेस विच वर हॉरिबल और विच वर वेरी नेगेटिव, विच वर वेरी यू नो पेनफुल, बहुत ज़्यादा तकलीफ दे, बहुत ज़्यादा परेशानियों का बायस, और जिसने मुझे हो सकता है किसी अपनी ज़िंदगी किसी वक्त में बिल्कुल तोड़ दिया हो। अब अगर मेरा फोकस इस बात पे होता कि मुझे उसने 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 हालात ने, सर्कमस्टांसिस ने बहुत तोड़ दिया है, और अब मैं उस क्रैक के साथ अगर, और उस क्रैक को अपने जहन में, अपनी सोचों में रख कर अगर अपनी ज़िंदगी गुजारती, तो शायद कभी भी मेरी वजह से या मेरे कुछ अल्फाज की वजह से किसी के लिए वो मोटिवेशन का बायस ना बनते। दीज आर द थिंग्स वी ऑल नीड टू सी। कई दफ़ा हमारी ज़िंदगी, किसकी ज़िंदगी है जो परफेक्ट है, कई दफ़ा हमारी ज़िंदगी में हर चीज़ परफेक्ट नहीं होती, बट एट द सेम टाइम हमारी ज़िंदगी की वो फ्लॉज, हमारी ज़िंदगी में वो महरूमियाँ, हमारी ज़िंदगी की वो कमियाँ हमारे लिए नहीं तो दूसरे लोगों के लिए आसानी का बायस बनती हैं। इनर ब्यूटी को महसूस करने की ज़रूरत है। हमारे अंदर बहुत सी ऐसी अच्छाइयाँ हैं, हमारे अंदर बहुत सी ऐसी खूबसूरत क्वालिटीज़ हैं दैट वी नीड टू सी, विच कैन मेक अदर्स लाइफ वेरी वेरी ब्यूटिफुल। देयर आर फाइव थिंग्स दैट आई एम गोइंग टू शेयर विद यू, पांच ऐसी चीज़ें जो आपके अंदर की इनर ब्यूटी को मज़ीद इन्हांस कर सकती हैं और करती हैं, वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। हर इंसान अपने अंदर कोई ना कोई नेगेटिविटी लेकर
जीरा होता है। हर इंसान कुछ ना कुछ अपने अंदर लेकर जीरा होता है, मगर उन नेगेटिव थॉट्स को, उन नेगेटिव एक्सपीरियंसेस को, उन नेगेटिव फेजेस को, उन नेगेटिव सर्कमस्टांसेस को, उन नेगेटिव लोगों की कही हुई बातों को आप किस तरह से अपनी ज़िंदगी में मोटिवेशन का बायस बना सकते हैं, इट इज़ ऑल अप टू यू। दैट क्रैकपॉट जिसकी हम बात कर रहे थे अंडरस्टूड दैट वेरी थिंग दैट ही थॉट वी आर ही थॉट टू बी इट्स वीकनेस टर्न्ड आउट टू बी अ ब्लेसिंग। वो चीज़ उस जब उसने उस बंदे ने बताया उसको, तो ही अंडरस्टूड कि जिस चीज़ को वो अपनी वीकनेस समझ रहा था वो दरअसल उसकी स्ट्रेंथ थी और उसके लिए ब्लेसिंग थी, उसके लिए और फ्लावर्स के लिए ब्लेसिंग थी। सो वी ऑल हैव फ्लॉज। हमेशा याद रखिए कि जो बटरफ्लाइज होती है ना, जो बटरफ्लाइज होती हैं उनके जो प्यारे प्यारे विंग्स होते हैं, दे कांट सी देयर विंग्स देमसेल्व्स। जो खूबसूरत रंग होते हैं उसके, वो हर बटरफ्लाई नहीं देख पाती अपने ही क्वालिटी, अपने ही वो रंगीन रंग वो खुद से नहीं देख सकती, मगर पूरी दुनिया उन रंगों को देख के मोटिवेशन भी लेती है, इंस्पिरेशन भी लेती है, उनको देख के खुशगवार भी महसूस करती है, खुशी का एहसास होती है। एंड यू नो यू लुक एट द बटरफ्लाई लाइक वाओ दिस इज समथिंग रियली ब्यूटिफुल। सो इट्स जस्ट योर थॉट्स दैट मेक योर थिंग्स and your life beautiful. We all need to understand this and we all need to do our and you know do things accordingly. Panch cheeze jo maine aapse kahi thi that I'm going to share with you jo aapki inner beauty ko mazid enhance karti hain, jo beauty aapke andar hain, hamari zindagi mein problems ho sakte hain, hamari zindagi mein pareshaniyan ho sakti hain, हमारी ज़िंदगी के सर्कमस्टांसेस परफेक्ट नहीं हो सकते, हमारी ज़िंदगी में हर चीज़ अकॉर्डिंग टू आवर चॉइस नहीं हो सकती, लेकिन हमारी ज़िंदगी में हर चीज़ खूबसूरत हो सकती है बाय जस्ट थिंकिंग और मूविंग आवर थॉट्स इनटू अ डिफरेंट डायरेक्शन। जब हम अपनी ज़िंदगी में अपने थॉट्स का, अपने स्टेट ऑफ माइंड का रुख बदलते हैं, चीज़ें बदल जाती हैं। इनर ब्यूटी को मज़ीद इन्हांस करने के लिए पांच चीज़ें। ट्राई टू गिव स्माइल टू पीपल एंड जस्ट एज आई से दैट ब्यूटिफुल वर्ड शुड नॉट बी स्पोकन फ्रॉम हियर, नॉट ओनली फ्रॉम हियर बट ऑल्सो बेटा मुझे ज़रा ग्लास में पानी डाल के दो, बट ऑल्सो दोज ब्यूटिफुल वर्ड्स शुड बी स्पोकन फ्रॉम हियर एंड हियर एंड यू नो वो जो वर्ड्स हैं वो हर तरफ से आपके अंदर भी वही लैंग्वेज बोली जानी चाहिए। फिर आप जब स्माइल करते हैं, याद रखें मैंने बहुत दफ़ा बात कही है कि जब आप स्माइल करते हैं यू आर द फर्स्ट वन टू रिसीव दैट, वट एवर यू आर गिविंग टू द पीपल यू आर द फर्स्ट वन टू रिसीव इट। आप पहले इंसान होते हैं, आप किसी पे गुस्सा करते हैं, आप किसी के ऊपर शाउट करते हैं, स्क्रीम करते हैं, यू आर द फर्स्ट वन, यू आर द फर्स्ट पर्सन to experience that. Similarly, you are the first one to experience that smile. So to bring out the best or the inner beauty ko enhance karne ke liye, smile inside and outside. You never know, that smile of yours probably change someone's day and probably change someone's life. Love yourself. Second thing, love yourself and लव योर सेल्फ की खूबसूरत मिसाल मैं पानी का ग्लास पी लूँ फिर मैं आपको देती हूँ। ये कहते हैं ना, आपने हमेशा सुना है कि अगर आप अपने आप से मोहब्बत नहीं कर सकते तो आप फिर किसी से भी मोहब्बत नहीं कर सकते। मगर हम यहाँ पर बैठकर अपने घरों में बैठकर, यहाँ बैठकर मीनिंग कि हम लोगों से मोहब्बतों के इतने बड़े बड़े दावे करते हैं कि हम उससे इतनी मोहब्बत करते, बट इट्स नॉट पॉसिबल। इफ़ यू कांट लव योर ओन सेल्फ यू कैन नॉट लव एनी वन इन द वर्ल्ड। जिस तरह से एक प्रिकॉशनरी मेजर आपको कहा जाता है, जिस वक्त आप प्लेन में बैठते हैं तो आपको कहा जाता है कि इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी या कोई भी ऐसी कोई मसला होता है तो उस हालत में जो मास्क है वो नीचे उतर आएगा, एंड दे ऑलवेज टेल यू दैट यू पुट योर मास्क ऑन बिफोर यू हेल्प एनी वन एल्स। कि बुज़ुर्गों की, अपने साथियों की और इर्द गिर्द के लोगों की मदद करने से पहले ज़रूरी है कि आप अपना मास्क लगाएं। सिमिलरली इफ़ यू कॉन्ट लव योर सेल्फ, इनर ब्यूटी को
इनर ब्यूटी को इन्हांस करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अंदर के अपने आप से प्यार करें, अपने आप से मोहब्बत करें. ओनली देन वी कैन लव अदर्स और वी कैन क्लेम टू लव अदर्स. द पीपल हु लविंग द होल वर्ल्ड बट दे डोंट लव देमसेल्फ, सो देर इज नो पॉइंट. इफ़ यू कान लव योर ओन सेल्फ, यू कान लव एनी वन. पॉजिटिव सेल्फ टॉक, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वैन यू आर गोइंग फॉर एनी काइंड ऑफ शो, वैन यू गोइंग फॉर योर टेस्ट, वैन यू गोइंग फॉर योर मे बी सम क्रिकेट मैच और फुटबॉल वट एवर, ऑलवेज रिमेंबर द कोच इज ऑलवेज टेलिंग द टीम मेम्बर्स एंड एवरी वन that you have to do it and you can do it, you're going to be the best, you have worked so much and you are just perfect in what you're going to do. So this is the kind of encouragement we give to the people, to the team members, to everyone. But unfortunately hum jisko encouragement or self positive self talk jiske sath nahi kar rahe the, wo hamara apna aap hai, our inside, our mind. We are never talking to ourselves positively. And if we start talking to ourselves positively, you'll see a great shift in your life. A very positive shift in your life you will experience, and it is going to change your life. Hum puri duniya se, har kisi se, koi hamare paas hamara friend aata hai, to hum unse, aur koi डिप्रेशन में है या कोई टेंशन में है या किसी परेशानी में है, तो वी से कि नो प्रॉब्लम, यू कैन डू दिस, तुम देखना कि सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, आने वाले वक्त में बिल्कुल ठीक हो जाएगा, यू गोना बी एब्सोल्युटली फाइन एंड थिंग्स गोना वर्क आउट फॉर यू एंड यू विल सी यू नो ऑल द ब्यूटिफुल स्टफ दैट वी कैन वी से. बट व्हेन इट कम्स टू आवर ओन सेल्फ, जब अपनी बात आती है, वी instead of talking good, actually we are all the time discouraging ourselves. We are telling ourselves all the faults. mere mein to ye mistake hai, mere mein to ye problem hai, main to hu hi, meri to shakal aisi hai, mera to akal aisi hai, whatever xyz, and we're never satisfied with what we have, unfortunately. acha, kindness is very important, and kindness ki jab baat hoti hai to there are two ways of being kind. There are times when you have to be a little harsh to be kind to someone. Yeah, it's different. But at times, kindness ki jab hum baat karte hain, to hum sirf aur sirf kindness jo hai, wo we are being kind and we are being helpful and we are being, you know, agle bande ko facilitate karne wali baat hoti hai ki hum uske liye kar dein. Kindness at times is being harsh with people. For example, if we have kids, alhamdulillah, hamare bacche hote hain ya hamare behan bhai hote hain. मुझे याद है when I was young myself, but you know, my father died when I was very young, so I had to act like a father when I was a girl myself. So I remember कि मैंने I gave my brother and my sister really hard time, and I told them कि आपको अपने कदमों पे खड़ा होना, you have to be independent, you have to do things, I will do this for you because of if you'll do this for me, only then I'll give you your pocket money and all that. Or alhamdulillah, because of that, I was not being really kind in that way, but my niyat was kind. I really wanted to help them out and be independent. Wohi wali baat ke jo you give them the fish rod instead of a fish, and I think isse badi kindness koi nahi ho sakti, that you are making people independent instead of making them depend on you, you know. So ye cheez kai dafa hum apne bachchon se ko daantte hain, kai dafa hum apne bachchon ko they are asking for a few things, hum unko wo cheez nahi dete, because agar hum unko wo har wo mangne wali cheez de dein, to it's not good for them in longer run. उनको उस वक्त लग रहा होता है कि शायद यू नो इट्स ये माई पेरेंट और माई मदर इज़ बीइंग वेरी क्रूअल, बट इन रियलिटी वी द इंटेंशन इज़ टू बी काइंड. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर एनहांसिंग द इनर ब्यूटी दैट यू हैव इनसाइड, पैम्पर योरसेल्फ, अपने आप को अपना ख्याल रखें. हम दुनिया से एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि कोई हमारा ख्याल रखे, कोई इस तरह से करे, ये वो करे. नो, you have to do it yourself. These are very very important things. Hum sari zindagi logon ke upar depend aur rely nahi kar sakte. We have to pamper ourselves, we have to create those smiles, khud se apne liye muskurahatein create karni hai,
खुद से काइंडनेस अपने आप के लिए करनी है, हमें अपने आप से अच्छी गुफ्तगू करनी है, हमें अपने चेहरे पर मुस्कुराहट क्रिएट लेकर आनी है, अपने साथ अच्छी बात करनी है, अपने आप को पैंपर करना है। और ये सब कुछ भी सेल्फिश नहीं है, बिकॉज इफ़ यू कॉन्ट डू दिस टू योर सेल्फ देन डेफिनेटली यू कैन नॉट डू दिस टू एनी वन एल्स। इफ़ यू कॉन्ट लव योर सेल्फ यू कैन नॉट लव एनी वन एल्स। इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम अपने इनसाइड ब्यूटी को एनहांस करने के लिए, उसको दुनिया के सामने लाने के लिए, दुनिया को भी छोड़ दें, अगर अपने अंदर की दुनिया को खूबसूरत करने के लिए, हमारे लिए ये लाजिम है कि हम इन चीज़ों को एनहांस करें। और उस क्रैक पॉट की तरह, वो जो क्रैक पॉट बार बार अपने क्रैक्स को देख रहा था, वो ये नहीं देख रहा था। और ये याद रखें बात कि अगर हम ये क्रैक पॉट की बात करें कि देखें, वो एक टूटा हुआ पॉट था, मगर कहते हैं ना कि चिराग तले अंधेरा होता है। बेशक चिराग को के नीचे खुद से अंधेरा होता है, बट इट इज़ बिकमिंग द रीज़न फॉर द वर्ल्ड। सो बिकम द रीज़न ऑफ हैप्पीनेस फॉर अदर वर्ल्ड। अगर उसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में भी कोई कभी कमी रह जाती है, या आपकी ज़िंदगी में आपको हर वो चीज़ नहीं मिल पाती, या आपके अंदर, या इसको लेट्स पुट इट दिस वे, लेट मी इसको वाइंड अप में इस तरह से करना चाहूँगी कि कई दफ़ा हम अपनी ज़िंदगी में ये बात सोच रहे होते हैं कि मेरी ज़िंदगी में इतने बुरे हालात, मैंने ज़िंदगी में ये गो थ्रू किया, मेरे साथ उसने इतना बुरा किया, मेरे मुझे जब कहीं पे भी मैं गई मुझे धोखे मिले, या मुझे मेरे जो टैलेंट था मुझे उस तरह से अप्रिशिएट नहीं किया गया। याद रखें, ज़िंदगी में जब भी कुछ होता है उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है। कई दफ़ा आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट दे के अल्लाह आपको आपसे कोई काम लेना चाहता है, कई दफ़ा आपसे बहुत चीज़ें छीन लेता है। मैं यहाँ पर एक मिसाल देना चाहूँगी, इसका वीडियो भी मैं कर चुकी हूँ। मुझे याद है कि आई वॉज़ वेरी क्रेजी टू गो टू NCA, नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स, जो आर्ट्स डिपार्टमेंट का है। नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में जाना चाहती थी, एंड नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में मैंने दो दफ़ा अप्लाई किया और दोनों दफ़ा मेरा एडमिशन नहीं हुआ। और जब मेरा एडमिशन नहीं हुआ तो मुझे इतना यकीन था, बिकॉज आई थॉट दैट आई वॉज़ टू गुड, सो मुझे इतना यकीन था कि मेरा एडमिशन हो जाएगा। और जब वो नहीं हुआ तो आई वॉज़ लाइक लिटरली, जिसे कहते हैं ना, डिस्ट्रॉयड, लाइक लिटरली आई वॉज़ शैटर्ड। और जब वो नहीं हुआ, मुझे याद है दैट डे आई सेड ओके फाइन, आई वॉज रियली क्रैक्ड इनसाइड, एक्चुअली आई वॉज रियली हर्ट। आई क्राइड एट द गेट ऑफ NCA फॉर लाइक आवर्स। मैं ऐसे रो रही थी कि जैसे किसी का कोई ब्रेकअप नहीं हो जाता किसी के साथ, तो वो जो रोता है ना, तो उस तरह से मैं रोई थी। और वहाँ खड़े होके आई जस्ट डिसाइडेड दैट डे दैट द टाइम विल कम व्हेन आई विल बी मोर देन NCA, द टाइम विल कम when I will, you know, बस मैंने वो कहा कि मुझे I have to do something bigger than NCA, and you know, and then that's how my journey started. And वो जो आपको crack मिलता है, या वो जो आपको rejection मिलती है, या reject किया जाता है, या आप reject feel करते हैं, वो चीज़ भी कहीं कई दफ़ा आपको ज़िंदगी में बाउंस जिस कहते हैं ना, अप करती है। आप उससे अपनी ज़िंदगी में एक फ्लाइट लेते हैं। और कई दफ़ा ज़िंदगी में हमें लोग रिजेक्ट करते हैं, कई दफ़ा हमें ज़िंदगी में लोग, ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको किसी कोई शख्स आपको पसंद करता है, आप किसी को पसंद करते हैं, तो वो शख्स भी आपको पसंद करे, तो आप अगर आपको रिजेक्शन महसूस होती है, तो उसको अपनी वीकनेस बनाने की बजाय उसको अपनी स्ट्रेंथ बनाएं, उसको अपनी स्ट्रेंथ बनाएं एंड मूव ऑन इन लाइफ। हो सकता है दैट हो क्या सकता है, डेफिनेटली एवरीथिंग दैट हैपेंस इन योर लाइफ इज़ द डिसीजन फ्रॉम डिवाइन। और कई दफ़ा लोगों का आपको रिजेक्ट करना, हो सकता है लोगों की ही इंटेंशन आपके साथ काइंडनेस हो, एंड दे सी दैट यू डोंट हैव एनी फ्यूचर विद अस, और यू डोंट हैव एनी, यू माइट नॉट, और आई माइट नॉट बी गुड इनफ फॉर यू। हो सकता है कई दफ़ा जब हमें कोई रिजेक्ट करता है, तो हम समझते हैं कि उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया इसलिए क्योंकि वो क्या समझता है अपने आप को, या वो क्या समझती है अपने आप को कि वो बहुत बेहतर है। ये भी तो पॉसिबल है कि जिस बंदे को रिजेक्ट किया जा रहा है
जो दूसरा बंदा है वो ये समझता हो कि मैं तो उसके काबिल नहीं हूँ, और उसको ये महसूस होता हो कि दिस पर्सन प्रॉबली डिजर्व्स बेटर और मोर देन दैट. इट्स जस्ट द वे यू थिंक अबाउट, इट्स जस्ट द वे यू थिंक. एंड यू नो, एक आपका हो सकता है उस शख्स का परसेप्शन कोई और हो, मगर हम लोग जब हमें कहीं से रिजेक्शन मिलती है तो हम ये समझते हैं हमें रिजेक्ट कर दिया गया और अगले बंदे को इस चीज़ की सज़ा मिलेगी क्योंकि हमें रिजेक्ट कर दिया है और हमारी कदर नहीं की और हमें धोखा दिया है और वट एवर एक्स वाई जी. बट इसको अगर इस एंगल से देखें कि हो सकता है कोई अगर आपसे दूरी इख्तियार करता है या कोई ये समझता है कि आई डोंट वॉन्ट टू बी विद यू और आई डोंट वॉन्ट यू टू बी विद मी, तो हो सकता है कि वो दरअसल आपका भला सोच रहा हो. वो हो सकता है कि वो अपने आप को क्रैक पॉट समझता हो एंड दैट पर्सन डजंट वांट यू टू बी इंडल्ज्ड इन दिस सिचुएशन, जबकि आप दूसरे शख्स के लिए एक बेहतर से बेहतर सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं. सो प्लीज़ अपने थॉट्स को, अपनी सोचों को, अगर कोई आपके साथ बुरा भी करता है तो इवन इन दैट केस try to think positive. Ho sakta hai that person that you are thinking is a villain or a vamp or a negative person or a, you know, culprit is trying to make your life better or probably want to see you in a better phase or in a better place or in a better condition or want you to have better options in life. सो इफ़ वी स्टार्ट लुकिंग एट थिंग्स, और फिर हम सारी ज़िंदगी इस दुख के साथ, फिल्मी सिचुएशन के साथ और उस दुख में और उस रंज में और उस गम में गुजार देते हैं कि मेरे साथ उसने ऐसा किया और मेरे साथ उसने वैसा किया. सो जस्ट लाइक दिस प्रैक्टिकल लाइफ इज़ अ डिफरेंट लाइफ, फिल्मी लाइफ डिफरेंट होती है, इसलिए फिल्म्स को अपनी ज़िंदगी से ज़रा दूर रखें. और अगर आपके अंदर कोई ऐसी नेगेटिविटी है, कोई ऐसा फ्लॉ है, तो उसको भी देखें कि आप अपनी ज़िंदगी में उस फ्लॉ के साथ भी आप अपनी ज़िंदगी में क्या बेहतर अचीव कर सकते हैं, या आपके उन फ्लॉज की वजह से आपके इर्द गिर्द के लोगों को, आपके एम्बियंस, आपके एटमोसफियर और तमाम चीज़ों को क्या बेहतर फ़ायदा मिल सकता है. एंड आई थिंक इफ़ वी स्टार्ट लुकिंग एट थिंग्स दिस वे, आई थिंक वी विल बी इन अ बेटर लाइफ इंशाल्लाह. दिस इज़ ऑल फ्रॉम टुडे. अपनी इनर ब्यूटी को इन्हांस करें, वो जो फ्लॉज हैं आपके अंदर उन फ्लॉज को दूसरों के लिए आसानियों और अपने लिए भी आसानियों का बायस बनाएं. एंड ट्राई टू लुक सिर्फ अपने एंगल से चीज़ों को नहीं देखें, अपनी ज़िंदगी में चीज़ों को बड़े पर्सपेक्टिव में देखें. ठीक है, इस पर्सपेक्टिव, इतने उस पे लेवल पे नहीं देखें, इस लेवल के ऊपर देखें. एंड व्हेन यू सी थिंग्स डिफरेंटली ऑन अ लार्जर स्केल, थिंग्स विल बी बेटर एंड लाइफ विल बी बेटर एंड ब्यूटीफुल इंशाल्लाह. अपना बहुत ख्याल रखिए. आई एम, बिकॉज इट्स माय डे टू ऑफ बनाना डाइट एंड आई मस्ट बी साउंडिंग अ बिट डाउन टुडे. टुमारो इज़ माय थर्ड डे ऑफ बनाना डाइट एंड आई, यू नो व्हाट आई डू इन बनाना डाइट, सो banana milk diet. So yes, it's not that easy. So थोड़ी सी drained लग रही हूँ और थोड़ा बीमार भी थी पिछले दिनों, ज़रा मुझे गले में था कुछ infection. So that's that. I hope you people are good. अपना ख्याल रखें और just stay happy and keep smiling. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.